हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज कुछ बात करने वाला एसएसबी जीडी नई भर्ती 2023 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी नई नोटिफिकेशन आ चुकी है कैसे इसके अंदर अप्लाई करना मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और एसएससी जीडी की तरफ से जो है एक और बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हुआ है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या डिटेल है, कितनी पोस्ट है और कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को आपको बताते हैं पूरा डिटेल के साथ। सो गाइज, एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल की नई रिक्वायरमेंट आई है। सबसे पहले इसकी जो डिटेल्स है वो आपको बता देते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। 19,000 पदों के लिए यानी कि 19,000 सशस्त्र सीमा बल के द्वारा ये रिलीज़ हुआ है और उन्हीं के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी और भी डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ने की बात किया तो एसएससी जीडी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। जॉब करियर डिफेंस की जॉब होगी, एग्जाम नेम एसएसबी होने वाली है, सशस्त्र सीमा बल। वैकेंसीज की बात करें तो 19,000 है और अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। और बात किया है तो यहाँ पर जो है जॉब लोकेशन तो ऑल ओवर इंडिया है और जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों है यानी कि महिला पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ आपको जो है वो जनरल अदर स्टेट के लिए यहाँ पर जो है पे करना पड़ेगा और एसटीएससी और फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है। 0 रुपीज़ है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। पेमेंट मोड यहाँ पर दिया गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और भी बहुत सारे फी पे मोड यहाँ पर रखे गई है। इसके अंदर जो एज लिमिट मांगे जा रही है आपका कितना एज लिमिट होना चाहिए तो मिनिमम एज लिमिट जो होना चाहिए वो 17 ईयर और मैक्सिमम जो होना चाहिए 25 ईयर यानी कि 17 से 25 के बीच अगर बिलोंग्स कर या फिर इस एज लिमिट के अंतर्गत आते हो तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। ओबीसी के लिए वही 3 साल की आपको छूट मिलेगी और एसटीएससी के लिए 5 साल की आपको छूट मिल रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगे जा रहे हैं यानी कि आपका योग्यता जो होना चाहिए वो 12वीं पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड्स हो, किसी भी स्कूल्स हो, किसी भी राज्य हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर बेफिक्र अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, आप बिल्कुल यहाँ पर जो है अगर आप 12th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जो मांगे जा रही है डिटेल्स आपका कितना होना चाहिए तो मेल के लिए जो है हाइट मांगी जा रही है 165 सेंटीमीटर और वहीं फीमेल के लिए जो मांगी जा रही है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका जो होना चाहिए वो 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर और रनिंग जो आपको करनी पड़ेगी 1.6 किलोमीटर रनिंग वो भी 6 मिनट के अंदर और वहीं यहाँ पर फीमेल के लिए जो रनिंग होगी वो 4 मिनट के अंदर वो भी 800 मीटर करनी होगी। यहीं बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में किस तरह से होगी तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 40 क्वेश्चन मैथ्स का और जीके जीएस 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 15 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का जो यहाँ पर रहेगा उसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड रहेगी। बात कर लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल एक बार फिर से मैं आपको, तो हेड कांस्टेबल की होगी और 19,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख कर आप आवेदन कर सकते हो आप अपने फ़ोन से ही। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया है, बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो भी चुका है। कब से अप्लाई है तो यहाँ पर 3 मई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 12 मई 2023 तक चलेगी, तो बिल्कुल आराम से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ से करना है तो आपका अप्लीकेशन ऑनलाइन यहीं से होगी, डाउनलोड भी नोटिफिकेशन यहीं से होगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर विजिट कर सकते हो या फिर गूगल पे सर्च करना सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी .com चले जाना इस वेबसाइट पर और यहीं से आपका अप्लाई होगी, यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड होगी तो यहाँ पर जाकर आप जो है विजिट कर सकते हो और यहीं से आपका होगा। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।